वेलकम स्टूडेंट्स, मॉड्यूल के इस अंतिम वीडियो में आपका स्वागत है। आइए विस्तार पूर्वक चर्चा करें कि दर्शन शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है। इम्पैक्ट ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन, इन बिंदुओं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार दर्शन शिक्षा को प्रभावित करती है। दर्शन तथा शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य दर्शन से प्रभावित होते हैं। प्राचीन काल में जो राष्ट्र युद्ध से घिरे रहते थे या युद्ध में ज्यादा संलिप्त रहते थे, उन्होंने अपने छात्रों को युद्ध कौशल विद्या में प्रवीण किया। इस प्रकार उनकी शिक्षा के उद्देश्य छात्रों में युद्ध कौशल विकास करना था। भारत जैसा शांति प्रिय राष्ट्र मुक्ति, मोक्ष या अध्यात्म की खोज में रहा। इस प्रकार ऐसे राष्ट्रों का उद्देश्य छात्रों में व्यक्तित्व विकास व आध्यात्मिक विकास का रहा। अमेरिका का प्रयोजनवाद दर्शन उनकी शिक्षा को प्रायोगिक एवं उपयोगी बनाता है। आधुनिक समय जो विज्ञान और मनोविज्ञान का है, आज शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्य उत्पन्न करना और विकसित करना है। दर्शन तथा शिक्षण विधि। समय के अंतरालों में दर्शन में बदलाव आए और साथ ही साथ शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन होते चले गए। प्लेटो का आदर्शवाद, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि इत्यादि को प्रोन्नत करता है, जबकि प्रयोजनवाद जो प्रायोगिकता एवं उपयोगिता पर आधारित है, प्रोजेक्ट विधि को बढ़ावा देता है। प्रकृतिवाद जो छात्रों की स्वतंत्रता पर बल देता है, वे डाल्टन विधि, क्रियामूलक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, खेल विधि इत्यादि शिक्षण विधियों को बढ़ावा देता है। दर्शन एवं अनुशासन। शिक्षण संस्थानों में अनुशासन भी दर्शन द्वारा प्रभावित होता है। तानाशाही विचार वाले विद्यालय दमनकारी अनुशासन को बढ़ावा देते हैं, वहीं आदर्शवाद पर आधारित विद्यालय शिक्षक को अति सम्मान की नजर से देखते हुए उच्च स्थान प्रदान करते हैं। उनका मानना है कि शिक्षक छात्रों से स्नेहपूर्ण व्यवहार करें, जिससे कि शिक्षकों को देखकर छात्र अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सके। प्रकृतिवादी दर्शन छात्रों की स्वतंत्रता का आदर करता है और ऐसे दर्शन पर आधारित विद्यालय छात्रों की पूर्ण स्वतंत्रता पर बल देते हैं, जिससे छात्र स्वयं की इच्छा के अनुसार अपने व्यवहार को अनुशासित कर सकें। दर्शन एवं शिक्षक। दर्शन शिक्षक को भी प्रभावित करता है और शिक्षक उसी दर्शन से अपने छात्रों को प्रभावित करता है। शिक्षक अपने विचारों से, अपने व्यवहार से और अपनी आदतों से छात्रों को प्रभावित करता है, जिससे छात्रों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। अतः एक शिक्षक को राष्ट्रीय दायित्वों को समझते हुए नैतिक मूल्यों के साथ आदर्श शिक्षक बनना जरूरी है, जिससे छात्र एक प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सके और देश हित में कार्य कर सके। इस प्रकार से दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है। धन्यवाद।